नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं मजे में होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आई नाम वाले जातक एवं एन नाम वाले जातक यदि शादी करते हैं तो आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप दोनों के बीच में जो बंधन बनेगा, आखिर वो बंधन कैसा रहेगा? दोस्तों, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो आपको सुनना चाहिए, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो लाइक कर देना है, साथ में वैदिक बाबा को आपको सब्सक्राइब कर देना है एवं वीडियो के नीचे में अपना नाम कमेंट कर देना है। उसके बाद वीडियो को ध्यान से सुनना है। तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, सबसे पहले जानते हैं कि जो भी आई नाम वाले जातक होते हैं वो आखिर होते कैसे हैं। मित्रों, इस नाम के जो जातक होते हैं वो बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, बहुत ज्यादा परिश्रमी होते हैं एवं हमेशा अपने जीवन में अपने समय को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। कभी भी अपने जीवन में अपने कीमती समय को बर्बाद करना या अपने समय का मिस यूज करना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। लेकिन इसके अलावा इस नाम के जो जातक होते हैं वो बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, बहुत ज्यादा हठीले होते हैं, हमेशा अपने जिद को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि एन नाम वालों की बात करें तो एन नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो बहुत ज्यादा धैर्यवान होते हैं एवं हमेशा अपने जीवन में अपने आने वाले समय के प्रति बेहद आशावादी होते हैं, अपने आने वाले समय से बहुत ज्यादा उम्मीद, बहुत ज्यादा आशा करते हैं एवं हमेशा अपने जीवन में अपने जीवन साथी का सपोर्ट, अपने जीवन साथी का समर्थन बहुत ज्यादा करते हैं। मित्रों, आई नाम वाले जातक एवं एन नाम वाले जातक, इन दोनों के बारे में इतनी बातें जानने के बाद यदि हम ये जानना चाहें कि आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, दोस्तों, आप दोनों के बीच में जो बंधन बनेगा वो सामान्य रूप से सही रहेगा, यानी कि आपको शादी करनी चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है अब तक आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा, साथ में वैदिक बाबा को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा एवं वीडियो के नीचे में जय बाबा भैरव आप कमेंट अवश्य कर दें एवं वीडियो हर जगह शेयर कर दें। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद।